तो देश के प्रधानमंत्री को समझने की ज़रूरत है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी खुद भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का तूफान आपने खड़ा कर दिया। गेल्या दोन दिवसांपासून देशभरात नुपूर शर्मा हे नाव चर्चेत आलं आहे। प्रेषित मोहम्मद यांच्याविषयी अवमानकारक उल्लेख केल्याप्रकरणी भाजपाच्या प्रवक्त्या असलेल्या नुपूर शर्मा यांना पक्षानं निलंबित केलं आहे। या पार्श्वभूमीवरून MIMचे अध्यक्ष असुद्दीन ओवीसी यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे। भारत के एम्बेसडर को बुलाकर डिमार्श देता है और कहता है कि आप माफ़ी चाहो, आपके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की और अनाप शनाप उन्हें बका है। इससे बड़ी तकलीफ़ और तौहीन नहीं है भारत के लिए कि हमारा देश का वाइस प्रेसिडेंट एक फॉरेन कंट्री में है और उसी फॉरेन कंट्री के लोग जो मेज़बान भी हैं और हमारे एम्बेसडर को बुलाकर ये कहते हैं। तो अब तक 16-17 ममालिक ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री को समझने की ज़रूरत है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी खुद भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत का तूफान आपने खड़ा कर दिया। आपने भारत के बाइज़्ज़त मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग का ऐलान कर दिया और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप ही के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ने अनाप शनाप बकवास बकी। ये बिल्कुल, अगर ये कोई कह रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम हो जाएगा, नहीं। अगर बीजेपी ये मानती है कि इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कहा है, तो उनको आप अरेस्ट करवाइए।